सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और अभी शाम के लगभग बजे 4 और हम लोग जा रहे हैं हल्दिया। दुमका से हल्दिया का जो डिस्टेंस है वो लगभग 45 से 48 किलोमीटर के बीच में है। और हम लोग सिर्फ वहाँ पर चाय पीने जा रहे हैं, और साथ में है मैं हूँ, सुमित है और हमारे गुरुजी, और साथ में अन्ना भैया भी हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से, लेट करने को फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, जैसा कि आप लोग बताए, हंसडिया के लिए, दुमका से हंसडिया, और जिसका डिस्टेंस है लगभग 48 किलोमीटर का। और हम लोग वहाँ पर सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब हम लोग गोड्डा गए थे हाल फिलहाल में, लगभग 4-5 दिन पहले, तो वहाँ पे रात में गए थे कुछ काम से, तो हंसडिया हम लोग चाय भी पिए थे। तो चाय पिए ना वहाँ पर, भाई साहब इतना मस्त चाय लगा ना। वैसे तो हम लोग भागलपुर गए थे तो अभी भी वहाँ पर पिए थे चाय, बट फिर से पिए ना तो बहुत मज़ा आया। उस दिन हम लोग 2 कप चाय पिए थे, और आज से प्लान बनता है घूम भी लेंगे और एक चाय भी हो जाएगा। उस दिन निकल गए हम लोग हल्दिया के लिए, और चलते पहले अर्नब भैया का घर। एक बार अर्नब भैया इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। ओह, हेलमेट के अंदर चश्मा। अच्छा, पूछ रहे हैं कि जैकेट के पीछे ईड़ भरे थे क्या, रेनकोट? उसी लिए पूरा यहाँ पे अजीब लग रहा है, निकाले नहीं हम, घुसले। हाँ हाँ, हमको लगा क्या है। ओ भाई साहब, फ़ोन अभी मस्त क्वालिटी निकाल रहा है, क्योंकि अभी धूप है, इसलिए धूप रहने से ना मेरा फ़ोन जो है ना क्वालिटी बवाल निकालता है। अगर धूप फिर चल जाए तो फिर क्वालिटी नहीं दे पाता इतना खास। तो इनका बाइक में हवा बहुत कम है, तो डलवा लेते हैं पहले, बैठ गया चक्का। इस रोड में गड्ढा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, अभी पीछे में गड्ढा मिला तो वहाँ पे पता ही नहीं चला। गड्ढा में हल्का सा गाड़ी कूदा, ज़्यादा नहीं कूदा। तो अभी हम लोग हरो पहुँच गए हैं, और यहाँ से और लगभग हल्दिया का डिस्टेंस यार तो यहाँ से 20 किलोमीटर दिख रहा है, और हल्दिया 35 किलोमीटर। यहाँ का रोड में पता नहीं क्या थोड़ा गड्ढा है, तो उसके वजह से ना बाइक थोड़ा ये देखिए इधर उधर भागती है। ट्रक सब जब ओवरलोड कर चलते हैं तो रोड थोड़ा दब जाता है। और अभी ये नदी पूरा सूख गई है, दिख रहा है जरा सा ही पानी नहीं, हल्का सा है, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो आगे क्या लोग व्यू आ रहा है वह चेक कर सकते हैं आप लोग, मस्त व्यू आ रहा है। पेड़ सब नारियल का है ना, खजूर का है शायद, बट बवाल लग रहा है। क्या सीन है दुमका में, इतना ज़्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते हो। सोच तो सकते, ऐसे बात नहीं कि नहीं सोच सकते हो, बट अभी अप्रैल में गर्मी स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे अभी गर्मी आ गया है लगभग, क्योंकि आज ही मैंने चेक किया दिन में 40 डिग्री सेल्सियस। भाई 40 डिग्री सेल्सियस समझ सकते हो आप लोग, नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ सेल्सियस। अगले बार तो इस टाइम में लगभग मेरे ख्याल से 30-32 डिग्री ही था, बट इस बार ना अभी अप्रैल चालू होते ही 40 डिग्री हो गया, तो समझ सकते कितना गर्मी होगा यहाँ पे लग रहा है। अभी तो मई जून आना बाकी ही है, मई जून में मुझे लगता है 45 से 48 डिग्री के आसपास गर्मी आ जाएगा यहाँ, मतलब हालत ख़राब गर्मी होगा। लोकेशन भी बोला अच्छा है, तो यहाँ पे आ ही जाएगा फोटो सही। चेंज क्या करेंगे बे, नया है तो बड़ा वाला ही तो था, उसको बदल के फिर इसको लिए। तगड़ा है सुमित भाई है, अच्छा नहीं लगा। अरे गाना बजाएगा, बजा ना, कोई दिक्कत होगी नहीं। नोनीहाट आ गया ना, और हल्दिया यहाँ से 18 किलोमीटर है, कितना है? हाँ 16 किलोमीटर है। और भाई यहाँ पे ना नोनीहाट में, यहाँ पे नाश्ता एक नंबर मिलता है। नोनीहाट हो गया,
अपना दुमका हो गया और पत्ता वाली तरफ भी बवाल बवाल नाश्ता मिलता है। इधर ही मस्त, इधर सब नाश्ता दुकान ही है, पहाड़ और उधर सूरज, मस्त लग रहा है। बवाल सी नारा गाइज यहाँ पे। तो ये वही रोड है जब हम लोग अक्टूबर में अगले साल भागलपुर गए थे, तभी भी इसका काम चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है, बना नहीं अभी तक, और लग रहा है एक ही पूरा साल लग जाएगा बनने में। और बस अभी हम लोग हटिया पहुँच ही गए हैं। ओ हाँ 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 बुला रहे हैं। तो अगली बार आए थे तो चाय दुकान में थोड़ा कॉमेडी हुआ था, एक भैया थे तो वो बोले कि अगली बार आप लोग जब वीडियो बनाने आइए तभी हमको बुला लीजिए, हम थोड़ा कॉमेडी करेंगे। बोले ठीक है। यही चाय दुकान है भाई? हाँ, चाय दुकान पर आ चुके हैं। और सुमित सबसे पहले चाय ले लिया। तो अभी हम लोग हैं हल्टिया चौक पर और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है, दोनों बाइक, और ये लोकेशन अपना हल्टिया, और यहाँ पे चाय पीने आए हम लोग। एक कप पिए हैं फिर और एक कप, एक कप में मन नहीं भरा, इतना दूर आने के बाद एक कप में मन थोड़ी नहीं भरेगा, इसलिए दो कप है वो चाय है तो पीते और एक कप। क्या और एक कप हो जाए भाई? और एक कप पिए, इसको बोलेगी एक कप और पिए तो बोल रहा है नहीं मजाक कर रहे। सुमित का मन है, मन है सुमित का, मन सुना मन है बाद में। सुमित आप पीजेंगे नहीं? अन्ना भैया भी रेडी है तो क्या दिक्कत? क्या सुमित भी रेडी हो जाएगा क्या? सुमित तैयार? सुमित सुमित रेडी रहता है वो जो, अबे साले जो मुझे वो आदमी रहता है ना जो थाली में प्लेट में खाना देने की आदत बताए, नहीं 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 मत दीजिए, मत फिर नहीं मत दीजिए। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, मत दीजिए अपने हाथ हटा के वही है। जल्दी दीजिए, हम चाय ले रहे हैं। क्या फोन है मेरे बेटी वाला खेल दे रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ नाइफी लिए हैं और अब यहाँ से निकलेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम लगभग 6 बजी है और यहाँ चलते अभी हम लोग नोनिया चलते, फिर वहाँ से निकलेंगे घर। और वो है चाय दुकान पिता का, तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से हल्दिया से।